हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में बात करने वाले टियागो ईवी के कुछ पॉजिटिव फीचर के बारे में कि टियागो ईवी में आपको क्या क्या पॉजिटिव देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉजिटिव है वो है इसकी प्राइस रेंज का। अब 10 लाख ऑन रोड के बाद आपको एक इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलती है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है टियागो ईवी का, जिस वजह से एक गेम चेंजर हो जाती है। एक न्यू इसका सेगमेंट है, इसके टक्कर में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है आज तक मार्केट में। जैसे आप CNG कार्स देख पा रहे होंगे, लो कॉस्ट के लिए जानी जाती थी, पर यहाँ पे आपको टाटा ने इतने कम प्राइस में आपको ईवी आपको यहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे को इसका पॉजिटिव लगता है वो ये है, जो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक कार होने के साथ आपकी कॉस्ट एफिडेंट तो है ही, कॉस्ट एफिडेंट एक इसका अलग पॉजिटिव है, पर कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, 4-स्टार रेटेड की क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड इंटीरियर में भी बात करेंगे कि प्लास्टिक क्वालिटी एंड कैबिन क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ जो इसका प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर कर देती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल तक देखने को मिलता है। इवन XUV 4W जो 20 लाख के अराउंड कॉस्ट आउट कर रही है उस तक में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा, तो एक इसका एक अदर पॉजिटिव हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन हार्मन की देखने को मिलती है, जिसमें आपको साउंड आउटपुट भी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ जो इसका नेक्स्ट पॉजिटिव वो है इसकी बैटरी का। अब बैटरी इसमें आपको जो देखने को मिल जाती है 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, अगर आप एज अ सिटी कार इस कार को कंसिडर कर रहे हो। पर अगर रियल लाइफ कंडीशन में बात करेंगे, अगर आप इस कार को स्पोर्ट्स मोड में भी ड्राइव करते हैं एंड ऑल, तो विद AC आपको आराम से 200-250 की आपको रेंज दे देगी, जो एक गाड़ी का दूसरा पॉजिटिव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा इस गाड़ी का पॉजिटिव है कि इतनी अच्छी आपको ये रेंज क्लेम करती है। एंड आपको इतनी अच्छी इस गाड़ी के अंदर रेंज मिलती है, उस रेंज के साथ आपको यहाँ पे जो इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको सिर्फ ₹1 से भी कम आपको किलोमीटर, अगर आप होम चार्ज करेंगे इसे तो ₹1 से भी कम आपको पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आपको इसकी देखने को मिलने वाली है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है टियागो ईवी के लिए यहाँ पे कि आपको ₹1 से भी कम आपको यहाँ पे इसको रनिंग कॉस्ट देखने को मिलने वाली है। एंड उसके बाद बात करेंगे इंटीरियर में चल के कि इसका अदर नेक्स्ट पॉजिटिव आपको क्या देखने को मिलता है। तो इंटीरियर में आ गए हैं अब इसका नेक्स्ट पॉजिटिव, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ क्रूज कंट्रोल तो है ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें आपको जैसे आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, उसी के साथ यहाँ पे आपको रीजनरेशन लेवल देखने को मिलता है, जैसे कि अभी 1 पे 2 पे 3 पे। इवन XUV 4W जो इतनी महंगी कार है तो उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिसिंग देखने को मिलती है, तो उस एक हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो इसके यहाँ पे आपको ये ट्रांसमिशन है, जैसे कि अब एक इलेक्ट्रिक कार है तो अब इलेक्ट्रिक कार में आपको एक एडवांटेज है, कोई भी आपको गियरलेस एंड स्मूथलेस ड्राइव है। अगर आप टियागो AMT लेते हैं उसमें आपको एक तो रनिंग कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा एविडेंट देखने को मिलेगी, पर उसके बाद जो आपको ड्राइव क्वालिटी वो इतनी आपको स्मूथ नहीं देखने को मिलेगी। वैसे इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें बिल्कुल आपको स्मूथ आपको ड्राइव क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। इवन मैंने पर्सनली ड्राइव भी करी है, टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो में भी आपने ड्राइव रिव्यू में भी देखा होगा कैसे कार एकदम स्मूथलेसली उठ रही थी। एंड इसको एकदम आप सिटी में अगर आपको ड्राइव करना है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। अगर आप रीजनरेशन लेवल इसको हाई रखेंगे तो वो सिंगल पेडल ड्राइव भी आप इस गाड़ी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको रेस देनी है, अकॉर्डिंगली कार ब्रेक लेती रहेगी सिटी टू सिटी ट्रैफिक में। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉजिटिव है, जिस प्राइस रेंज में आ रही है उस हिसाब से जो इसकी कार की ड्राइव है, जो स्पीड पकड़ रही है, जिसके 0-100 टेस्ट एंड ऑल भी आप देख चुके होंगे मेरे चैनल पे, तो ड्राइव में ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड इतने ज्यादा पेपी और पंची है, जिस वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है, तो उसका एक अनदर पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल देखने को मिलती है। साथ ही में आपको 4-स्टार रेटेड NCAP की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, एविडेंट आपको सिटी के अंदर रेंज देखने को मिल जाती है। तो एक ओवरऑल पैकेज अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कार यहाँ पे हो सकती है अगर आप इसको परचेज करने का डिसीजन बना रहे हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है टियागो ईवी के बारे में, जिसमें मैंने आपको टियागो ईवी के पॉजिटिव बताया। तो इसके साथ वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। एज ऑलवेज नेट सबका साथ होगा, स्टार्टअप है बस यहाँ।